आज हम लोग एकदम सिंपल तरीके से वो भी ट्रेडिशनल गुजराती ढोकला बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं लुक बहुत अच्छा है, खाने में इतना टेस्टी है। और इसका हम गोल कैसे बनाएंगे वो मैं दिखाऊंगी। जो मार्केट में मिलता है वैसा ही ढोकला आज हम घर पे बनाएंगे। यम्मी कुक में आपका स्वागत है, मैं हूँ छाया। वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा एंड तक देखना ताकि ट्रिक के साथ आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द की दाल ली है, उसको मैंने चक्की में पीस लिया है। तो चक्की में मैंने पीस के रख दिया था, वही मैं लूँगी। तो एकदम आसान तरीके से अगर आपने चक्की में पीस के रखा या तो बाहर पिसवाया तो ये आप आराम से बना सकते हो, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होती इसमें। तो ये आप बना के रखोगे तो बहुत अच्छी तरह से आप तुरंत बना सकते हो। इसमें मैं पानी डाल के इसका घोल बनाऊंगी। तो ये मैंने, आज ठंडी है तो इस हिसाब से मैंने 5 से 6 बजे ये घोल रेडी कर रही हूँ। अगर ठंडी नहीं होगी तो आप रात को भिगो के सुबह में बना सकते हो, लेकिन ठंडी के टाइम ज़्यादा घोल में आथा नहीं आता है, तो मैं इसको जल्दी भिगो दूंगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ठंडी के टाइम हमको ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इसको हम पानी डाल के अच्छे से घोल बनाएंगे, लम्स फ्री वाला बनाएंगे हम घोल। तो ये भी आपको ध्यान में रख के ही करना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक करना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना और फ्रेंड के साथ शेयर करना। एकदम सिंपल तरीके से मैं रेसिपी आपके लिए लेके आती हूँ, तो एक लाइक तो बनती है फ्रेंड्स। ये मैंने पानी डाल दिया है, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया से ये गोल रेडी हो गया है। तो वैसे ही हमको रेडी करना है, अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा तो हमको कितना ठीक रखना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आज। तो इसको अच्छे से घुमाते रहना है और लम्स फ्री वाला हम बैटर रेडी करेंगे, अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रख के ही सारा पानी धीरे धीरे ऐड करना है, एक साथ में नहीं डालना है। तो ये ऑलमोस्ट मेरा गोल रेडी हो गया है, अभी आप देख सकते हो कि ये अच्छे से एकदम बढ़िया हो गया है। अभी इसको अच्छे से हम घुमा देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम पौवा डालेंगे, इससे गोल में आथा भी अच्छा आएगा और एकदम बढ़िया सॉफ्ट रू जैसा ऐसा आपका ढोकला बनेगा। तो ये भी आप करोगे तो बहुत ही अच्छा आपका ढोकला बनेगा। तो यहाँ पे 2 स्पून मैंने पौवा ले लिया है, उसको 5 से 7 मिनट तक भिगो दिया था और इसको इसके अंदर डाल दिया है। 1 स्पून हम दही डाल देंगे ताकि एकदम बढ़िया से ये मस्त ऐसा हमारा ढोकला बनेगा। इसको भी अच्छे से हम घुमा देंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम ढक्कन ढक लेंगे। तो मैंने इसमें एल्यूमिनियम बर्तन लिया है ताकि ठंडी के टाइम अच्छे से गोल अच्छा बने, इसलिए। अभी आप देख सकते हो कि मैंने सुबह हुई है और गोल दिखाया है आपको, तो बहुत ही अच्छे से हमारा गोल रेडी हो गया है। इसको हम अच्छे से घुमा देंगे वापस, तो एक ही डायरेक्शन में हमको घुमाना है, बार बार चेंज नहीं करना है। तो आप देख सकते हो एकदम बढ़िया ऐसा हमारा गोल रेडी हो गया है। अभी एक बर्तन ले लूँगी, उसके अंदर मैं कटोरी की मदद से 3 कटोरी में गोल ले लूँगी, क्योंकि मेरी प्लेट के हिसाब से मैं लूँगी। अगर आपके यहाँ कैसा प्लेट है वो आप आपके हिसाब से ले सकते हो फ्रेंड्स। इसमें नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दूँगी और 1 स्पून हम यहाँ पे अदरक और मिर्ची की पेस्ट डाल देंगे। इसको भी अच्छे से हम घुमा देंगे। तो इसको अच्छे से हमको घुमाना है, तो आप देख सकते हो एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे से हमारा गोल रेडी हो गया है। ना तो मैं इसमें सोडा भी डालूंगी और एकदम बढ़िया से हमारा ये गोल रेडी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो एकदम खिल गया है, तो ऐसा ही हमको गोल चाहिए। तो मैं इसमें थोड़ा भी सोडा नहीं डालूंगी, अभी एक थाली ले लूँगी, उसके ऊपर तेल लगा दूँगी और हमने जो गोल बनाया है वो इसके अंदर डाल देंगे। इसको हम अच्छे से घुमा देंगे और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा काला मरी पाउडर आता है वो डाल देंगे, लाल मिर्ची डाल देंगे थोड़ी सी और थोड़ी सी धनिया डाल देंगे और इसको हम स्टीमर में रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टीमर पहले से ही रख दिया था, इसके अंदर हम रख देंगे
और 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। इसके साथ हम फरसान वाली चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप धनिया ले लिया है, 10 से 12 पुदीना पत्ता ले लेंगे। उसके बाद तीखास के लिए हम लोग लेंगे 5 से 6 मिर्ची तीखी वाली। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, लेमन डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे 1/2 कप मैं सेव ले लूँगी, इससे हम फरसान वाली जो बनाते हैं वैसे ही चटनी बनेगी। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पीस लेंगे। तो ये चटनी रेडी हो गई है, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है। जैसे हम मार्केट में से लेके आते हैं वैसे ही चटनी आप घर पे बना सकते हो फ्रेंड्स आसान तरीके से। तो ये मैंने चटनी भी रेडी कर दी है इसके साथ सर्व करने के लिए। अभी हम ढोकला देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ढोकला की थाली निकाली है, उसको हम चेक करेंगे। तो चप्पू की मदद से मैं चेक करूँगी तो ये ऐसे ही निकल जा रही है क्लीन, मतलब में ये ढोकला रेडी हो गया है। अभी इसको नीचे उतार देंगे और हम लोग कटिंग करेंगे। आपको स्क्वायर में करना तो स्क्वायर में, ट्रायंगल में करना तो ट्रायंगल में, आप आपके हिसाब से कटिंग कर सकते हो। ऊपर से थोड़ा सा मैं तेल डालूंगी, अगर आपको बटर डालना है तो भी डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको निकाल के दिखाऊंगी आपको। तो ये एकदम सॉफ्ट और रू जैसा ऐसा हमारा ढोकला बनेगा और एकदम बढ़िया टेस्ट में लगेगा, जो मार्केट से लेके आते हैं वैसा ही हम आज घर पे बनाएंगे। एकदम इजी तरीका है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो एकदम सॉफ्ट में है, मैं ये दिखाऊंगी आपको। तो आप देख सकते हो कि ये टूटा भी नहीं है और एकदम बढ़िया से हमारा ये ढोकला रेडी हो गया है। इसको हम सर्व कर देंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं सर्विंग ट्रे लूँगी, उसमें मैं सर्व कर दूँगी। तो यम्मी टेस्टी ऐसा हमारा ढोकला रेडी हो गया है फ्रेंड्स। बाजार में मिले वैसा ही ढोकला आज हमने बनाया है। तो एक लाइक तो बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।